गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन लेबोरेटरी सिस्टम्स एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज नथिंग बट इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड एंगल ऑफ रिकॉइल्स। फर्स्ट, इन लेबोरेटरी सिस्टम्स लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी u1 towards the particle b having mass m2 which is at rest, so it means that u2 is equal to 0 in the laboratory system. After collision, the particle a scattered along op which is making an angle phi as shown in figure. जो first figure है वो हमारे पास laboratory system के लिए, जो second figures है वो center of mass सिस्टम है, जो थर्ड है वो वेक्टर डायग्राम्स है। सो प्रोसीडिंग टू द सेंटर ऑफ मास सिस्टम लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग मासेस एम वन एंड एम टू मूविंग विद वेलोसिटी यू वन डैश एंड यू टू डैश। सो आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए एंड बी वी वन डैश एंड बी टू डैश विच इज स्कैटर्ड अलॉन्ग सीपी making an angle theta in the center of mass system in the figure as on the board. So the third figure shows that a vector diagram of masses m1 and m2 after collision having an angle of scattering phi in laboratory system and theta in center of mass system. So from P draw perpendicular PM on OM. So we have a right angle triangles. So in right angle triangles O P N P कोई भी नाम दे सकते हो आप, N P N भी लिख सकते हो, N M P भी लिख सकते हो, विच एवर यू कन्वीनियंट। सो एम पी अपॉन एन पी इज इक्वल टू साइन थीटा, हमें पता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाता, साइन थीटा बनता। सो एम पी इज इक्वल टू एन पी साइन थीटा, तो पी एम इज इक्वल टू एन पी हमारे पास क्या बनता, बी वन डैश है तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो पी एम इज इक्वल टू वी वन डैश साइन थीटा विच इज इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली हमारे पास एन एम है तो वो भी क्या है, एन पी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन एम इज इक्वल टू बी वन डैश कॉस थीटा, क्योंकि हमने रेशियो एक साइन की ले ली और एक कोसाइन की ले ली, लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू। सो वी हैव अनदर ट्राइंगल्स दैट इज ओ पी एम, we make the angle phi, tangent phi is equal to mp upon om. अब om किसके बराबर है, on plus nm. by using the equation 2 and 3rd we get tangent phi is equal to b1 dash sin theta upon b capital b plus b1 dash cos theta. अब b जो capital है वो nothing but it is the velocity of the center of mass system. So we can simplify, we can rearrange this equations v1 dash sin theta upon v1 cos theta plus v. Tangent theta is equal to sin theta upon cos theta. मैंने क्या किया, इसको v1 dash को divide कर दिया numerator as well as denominators में, तो हमारे पास calculate करके क्या आ गया, tangent phi is equal to sin theta upon cos theta plus v upon v1 dash. इन द लास्ट आर्टिकल या यस्टरडे लेक्चर वी हैव डिस्कस फॉर द लास्ट कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम विच इज द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन विल बी इक्वल बिफोर द कोलिजन, दैट इज द बी वन डैश इज इक्वल टू यू वन डैश। सो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बी अपॉन यू वन डैश, लेट इट बी इक्वेशन नंबर थ्री। नेक्स्ट आता हमारे पास कि वी नो दैट वी इज इक्वल टू एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये पिछले आर्टिकल में कल हमने किया हुआ, और यू वन डैश की भी वैल्यू हमने कल निकाली थी एम टू यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। अगर किसी को नहीं पता है ये हमारी पिछला जो लेक्चर है उसको वॉच कर सकते हो और वहां से देख सकते हो। सो इक्वेशन नंबर थ्री बिकम्स टेंजेंट फाइव इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, ये वैल्यू हमने वहां पुट कर ली एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू एम वन प्लस एम टू अपॉन एम टू यू वन। सिंप्लीफाई किया हमने, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस एम वन अपॉन एम टू, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फोर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन लैब सिस्टम
and angle of scattering in center of mass system. So we have some special cases here. One case is if m1 greater than m2, then it means that the ratio of the m1 upon m2 is greater than 1. So equation number 4 becomes tangent phi is equal to sine theta upon cos theta plus 1, yeah, greater than 1. It means that the theta lies between 0 and pi, yeah, 180, and which has the value minus 1 to plus 1. What the quantity of cos theta plus greater than 1 is always positive, and so the equation number this, yeah, equation 5, this is nothing but this is the equation number 5. So this is equation number 5. So this equation, from this equation we can find the tangent phi is always positive and phi always lies between 0 and pi by 2. So the above relation has two values for theta for a given value of phi. So case 2, if m1 is equal to m2, agar mere paas dono values same ho jati hain, what can happen? Then the angle या tangent phi is equal to sin theta upon cos theta plus 1, और हमने simplify किया इसको 2 sin theta by 2 और cos theta by 2 upon 2 cos square theta by 2 simplify किया मैंने mathematical, तो tangent phi is equal to tangent theta by 2, तो tangent tangent cancel हो गया तो phi is equal to theta by 2. What does this mean? It means that when the colliding particles are of equal masses, the angle of scattering in lab system is equal just half the value of the angle of scattering in center of mass system. So the maximum value of theta is 180 degree. It follows that if m1 is equal to m2, agar conditions kya m1 m2 ke barabar hota, there can be no scattering in the lab system at angle greater than 90 degree. Third case kya hai, if m1 less than m2, then the ratio of m1 upon m2 is equal to 0, then we can get tangent phi is equal to tangent theta. So phi is equal to theta. When a very light body collides with a heavy body, the angle of scattering in lab system is equal to the angle of scattering in center of mass system. ये जो तीन points हैं बहुत important हैं, इनको आपने just नो डाउन करना, और ये आर्टिकल जो है एग्जाम में भी आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि इसका जो रिलेशंस है या एंगल ऑफ स्कैटरिंग और इन लैब सिस्टम और सेंटर ऑफ मास सिस्टम का डिस्कस करो, रिलेशन बिटवीन द कैनेटिक एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास. ये हमारे पास बाद में हम करते रहेंगे इसको जैसे जैसे हमारे पास टाइम आएगा, ठीक है. या आपकी जो बुक है इसके में जो क्वेश्चंस हैं आपको वो इस चैप्टर के एंड में आपको बता दूंगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू. होप यू एंजॉय दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.